हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इंट्राडे टेक्निकल ट्रेडर पे स्वागत है। चलिए, अभी 10 बज रहा है अभी, और मैंने पोजीशन भी ले लिया है। देखिए मेरा ऑर्डर शीट आज एक्सपायरी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 9:55 पे ही दो लॉट बाय किया है। 800 का, 13,800 कॉल का मैं दो लॉट बाय किया हुआ है, और 13,750 कॉल मैंने उसको सेल किया है। तो ठीक है, देखते हैं अब इसका नेट पोजीशन क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा अभी 50-60 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, अभी तो 10 ही बज रहा है, अभी मैं इसको वेट करूँगा मार्केट 2:30-3 बजे तक। इसमें मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो तो वक्त ही बताएगा। आज क्या है ना, आज एक्सपायरी है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अभी तो ये निफ्टी तो चल रहा है 13,700 के ऊपर। ये देखिए 13,700, 13,14 ऐसे चल रहा है। तो उसको मैंने, इसीलिए मैंने हेज किया है ना। मैंने पहले 13,800 का कॉल बाय किया, और उसके बाद 13,750 का कॉल मैंने सेल कर दिया है, और मेरा फंड भी लगा है कितना। ₹12,422 लगा है ना। तो देखते हैं अभी इसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ठीक है दोस्तों, वेट वेट करते हैं। ओके, लाइव ट्रेड पे बने रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अभी देखिए दोस्तों, टाइम हो रहा है 11:13, और मेरा ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ये रहा आपके सामने पोजीशन बुक। तो ठीक है दोस्तों, मेरा आज का एनालिसिस यही है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट 13,750 के नीचे ही रहे। वो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखा है पहले से ही। तो देखते हैं मार्केट कैसा जा रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए दोस्तों, ये रहा 13,750 का जो रेसिस्टेंस है निफ्टी का आज के लिए, और ये रहा 13,800 का। अगर 13,750 के ऊपर अगर जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा अपने पोजीशन से, लेकिन फिर भी मेरा यही व्यू है कि ये आज के लिए 13,750 और 13,700 ये दोनों के बीच में ही घूमना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा व्यू यही है कि 13,750 के ऊपर आज क्रश ना करे मार्केट। अगर 13,750 के ऊपर अगर क्रश ना करके अगर 13,750 के नीचे अगर क्लोज दे देगा तो आज मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या हो रहा है, और लाइव मार्केट में बने रहिए। देखते हैं जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों, अभी मैंने क्या किया है ना, अभी ये मार्केट ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मैंने क्या किया, 13,700 का पुट सेल कर दिया है, और 13,650 का पुट बाय कर दिया है ना। और अभी मैं वेट करूँगा कि अभी क्या होने वाला है, इसका एडजस्टमेंट क्या है। दोस्तों मैं अपना पोजीशन देखा रहा हूँ देखिए, जो मैंने दो दो लॉट किए थे वहाँ से मैंने एक एक लॉट एग्जिट हो गया हूँ। देखिए, और एग्जिट हो गया हूँ, और अभी मैंने यह 13,700 का पुट एक सेल किया हुआ है,
और 13,600 फुट एक बाय किया हुआ है। तो अभी मैं अपना पोजिशन बुक भी दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी 142 का मेरा लॉस चल रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे, है ना। अभी मैं वेट करूँगा कि मार्केट अभी किधर भी जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मैं इसको 3 साढ़े 3 बजे तक आराम से, मार्केट क्लोज होने तक मैं आराम से वेट कर सकता हूँ, है ना दोस्तों। तो देखिए, मेरा तो आप पोजीशन भी देख रहे हैं। तो आज मेरा व्यू यही है कि ये मार्केट यहीं के कहीं पे भी ये एक्सपायरी हो जाएगा। फिर भी मैंने इसको एडजस्टमेंट कर लिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बोल रखा है कि मैंने पहले क्या किया था, 13,750 कल सेल किया था और 13,800 कल मैं बाय किया हुआ था। तो उसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे ही 13,750 के ऊपर क्रश किया मार्केट, तो मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और उसको उसको मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट करके उसको मैंने 13,700 पुट को मैंने सेल कर दिया वन लॉट, और 13,650 पुट को मैंने बाय कर दिया। तो उसी के हिसाब से आप मार्केट अभी मेरे फेवर में आ रहा है और जा रहा है भी, जो भी समझे। तो देखिए, ये रहा मैंने कब किया था ये एडजस्टमेंट। देखिए, 1:35 पे 13,700 फुट को मैंने सेल किया था, और एक किया था 13,650 फुट को बाय किया था, उसको भी 1:35 पे। देखिए ना, टाइम इस पे है सब डिटेल्स। चलो अभी देखते हैं हमारा नेट पोजीशन क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखिए दोस्तों, अभी मेरा ये जो लॉस में रख था वो अभी मेरा प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो गया है। तो ओवरऑल मेरा व्यू यही है कि ये 1,000 तो कुछ प्रॉफिट दे के जाना चाहिए मार्केट मेरे को, क्योंकि ये तो 13,650 फुट जो था वो तो अभी 80 पैसा 75 पैसा हो गया है, और जो सेल किया हुआ था 13,700 फुट को दो लॉट 11 रुपया 58 पैसे पे, वो अभी 2 रुपया चल रहा है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये जब जीरो हो जाएगा तब तो मेरे को ये दे के ही चाहिए, जाना तो चाहिए, देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन यार, ये जो ब्रोकरेज भी ये चल रहा है ना, ब्रोकरेज भी ये चला जाएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज लॉस हो या प्रॉफिट हो, एटलीस्ट हम प्रॉफिट भी नहीं बोलेंगे और लॉस भी नहीं बोलेंगे, इसको एक एडजस्टमेंट करेंगे और क्या। जैसे नो ट्रेड नो लॉस नो प्रॉफिट जैसा हो जाएगा और क्या। तो देखते हैं दोस्तों, मार्केट तो अभी फिलहाल मेरे व्यू के हिसाब से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं फाइनल में अपडेट कर दूंगा। ओके, वेट एंड वॉच दोस्तों, लाइव मार्केट में बने रहिए। हेलो दोस्तों, अभी देखिए ये मेरा 30 पैसा 35 पैसा हो गया है और अभी मैंने एग्जीक्यूट हो गया हूँ। तो अभी चलिए देखते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, मैं अपने मोबाइल से एग्जीक्यूट हो गया हूँ। देखते हैं दोस्तों, हुआ है, डिटेल्स में दिखा देंगे। मोबाइल से मैंने एग्जीक्यूट हो गया हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मेरा ये ऑर्डर बुक में जाके देखते हैं क्या हुआ। पोजीशन एग्जीक्यूट तो हो गया था, मेरे मोबाइल से ही मैंने एग्जीक्यूट हो गया हूँ।
देखते हैं नेट पोजीशन पे। प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रेड कैसे हुआ है, मैंने इसको एडजस्टमेंट किया हुआ था तो आज मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। एग्जीक्यूट तो मोबाइल से कर दिया हूँ, तो देखिए दोस्तों आज मेरा 412 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, कैसे मैंने इसको एडजस्टमेंट किया, कैसे मैंने ट्रेड किया और कैसे ये सब किया, ये सब को आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जो भी नया नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।